यमुनानगर में साइबर ठगों ने बड़ी ही चालाकी से एक डॉक्टर को अपना शिकार बना लिया। ठगों ने डॉक्टर के खाते से 2,42,000 रुपए निकाल लिए। इंदिरा अस्पताल के डॉक्टर रविंद्र इंदिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर का आरोप है कि ICICI बैंक के मैनेजर भी ठगी करने वालों के साथ मिले हो सकते हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बैंक मैनेजर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एक्चुअली सर, मैं अपने ही अकाउंट मतलब जो ICICI बैंक में है, मेरा अकाउंट है जो कि है तो पटियाला वाले ब्रांच में, उससे मैं अपने एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था। तो उसी दौरान जो पैसे ट्रांसफ़र करते हुए मैंने देखा कि मेरे 9,000 रुपये जो अकाउंट से डेबिट हुए थे, मैं अपने डीमैट अकाउंट, जैसे कि जो हम कुछ शेयर परचेज करते हैं तो डीमैट अकाउंट होता है, ग्रो एक सिस्टम है, ऐप है, उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा था। मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, उसमें पैसे जमा नहीं हुए ग्रो ऐप में। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि सर, बहुत बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप वेट कर लीजिए, पैसे आ जाएंगे। अगले दिन तक नहीं आए। फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर, वो शायद ऐसा आपने कौन से तरीके से किया था, पेटीएम से, फ़ोनपे से? तो मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ICICI का iPay ऐप होता है उसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो उसने मुझे बातों में लगाया रखा कि सर, आप लाइन पर बने रहिए, मैं आपके साथ हूँ, और ये हम देखते हैं कि पैसे कहाँ सर्वर में रह गए या कहीं ब्लॉक हो गए। तो उनसे काफ़ी देर तक बातें करता रहा, और करीबन आधे घंटे के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मुझसे बातें करते रहा, लेकिन कभी भी मुझसे उसने बोला कि आप अपना OTP ना मुझे बताने वाला, मुझे पता है ये बात, OTP किसी को शेयर नहीं किया। तो उसने इतना कहने के बाद मुझे बोला कि सर, आप अपने अकाउंट में देखिए, या तो पैसे आपके रिटर्न आ गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आए तो मतलब वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो मैंने उसके कहने पर अपना iPay ऐप खोल कर चेक किया तो उसमें पैसे रिफ़ंड नहीं आए थे। मैंने कहा नहीं, कोई पैसे नहीं है। इसी तरह दौरान के उसने मेरे अकाउंट से पहले 42,000 रुपये निकाल लिए। मैंने बोला ये क्या बात हो? बोले सर, कुछ नहीं, ये तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं। मैं बोला मेरे बताए बिना आप पैसे कैसे निकाल सकते हो, ये तो आपने गलत है। बोला नहीं सर, आप वो मत करिए, आप बुरा मने वो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। फिर देखता हूँ 5 मिनट बाद उसने 2,00,000 रुपये और निकाल। तो ऐसे करके 2,42,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकल गए। तो मैंने उस पर खूब गुस्सा आया, मैंने यार ये कैसा है, तो ठगी है तेरी, चोरी कर रहे हो तुम। अच्छा, और उस नंबर पर जब इन्होंने बातचीत करी तो वो एक फ्रॉड किसी उसने डाला हुआ था सेम उसी अकाउंट से, तो उनसे बातचीत कर करके उसने ऐसे डाउनलोड करा के OTP लेके उनसे 2,42,000 रुपये कुल ठगी उनसे करी है। और इसमें जो आगे बात आई है उसमें कि एक बार उन्होंने फिर बैंक से कंसर्न किया इसमें जाके, बैंक मैनेजर से, बैंक मैनेजर ने कहा कि पेमेंट आपके खाते में वापस आ जाएगी, और वो पैसे वापस आ भी गए, उन्हें खाते में दिखाई भी दिए। और लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते तक हमारा टाइम पीरियड रहता है बैंक का, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतना पैसे को यूज़ मत करना। तो उसमें उन्होंने यूज़ नहीं किया और 6 हफ्ते बाद वो पैसे फिर उनके खाते से वापस चले गए। तो इसमें उन्होंने बैंक मैनेजर पर भी आरोप लगाया कि वो उनके साथ मिला हुआ है, और बाकी देखते हैं जांच का विषय है। कौन सा बैंक और किस धारा पर मामला दर्ज किया गया सर? ये ICICI बैंक के थे वो मैनेजर तो, लेकिन इसमें 420-406 का मुकदमा हमने दर्ज। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक अधिकारियों द्वारा भी साइबर ठगों के खिलाफ तरह तरह की चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस मामले में हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और कैसे साइबर ठगों तक पहुंचती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।